नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, जी हाँ, दुबई के बारे में। बाइक डिलीवरी के जॉब के संबंधित बात करेंगे कि भाई एक ट्रेंड सा चल गया कि 2020 में कोरोना आने के बाद में इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग बाइक डिलीवरी जॉब में जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें हालांकि घपला भी बहुत हुआ है। आज हम बात करेंगे कि सरकार ने बाइक डिलीवरी लाइसेंस के बारे में सख्त प्रक्रिया कर दी, पिछले साल कितने एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट होने के पीछे रीज़न क्या है, कितना लोगों को जुर्माना लगा, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, पूरी डिटेल से हम बात कर लेंगे बाइक डिलीवरी जॉब से रिलेटेड, ताकि सही से जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, दुबई, आपको पता है साथियों, मार्च 2020 के बाद में एक कोरोना की वजह से सब लोग लॉकडाउन लगा था, सब लोग घरों में बंद थे, तो इसमें ऑनलाइन वाले सिस्टम को शुरू किया गया था। जी हाँ, ये इंडिया में भी चालू था, आपने देखा कोरोना काल में लोग ऑनलाइन डिलीवरी ले रहे थे, और सब देशों में ऐसा था। दुबई में भी ये एक ट्रेंड चला कि भाई ऑनलाइन डिलीवरी, ज़्यादातर फूड से रिलेटेड था ये सिस्टम। तो 2021 में कोरोना कम हुआ, 2022 जनवरी फरवरी भाई इतना भयंकर तरीके से इसमें एक मैं देख रहा था, आपने भी देखे होंगे बाइक डिलीवरी के सहित। जी हाँ, विजिट वीज़ा लो, यहाँ से दुबई पहुँचो, वहाँ लाइसेंस बनाओ, जॉब लग जाओ। जी हाँ, जॉब लगे भी हैं। कल भी मेरे क्या बंदे का फ़ोन आ रहा था, बोला सर, हालांकि मैं यूट्यूब पर उस बंदे का चैनल भी है, नाम नहीं लूँगा, 2.5 लाख रुपए इंडिया से बाइक डिलीवरी जॉब में बंदे से लिए गए, 80,000 लेने के बावजूद भी आप 2 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहे। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ हुई। हालांकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि वी सरकार ने, देखिए, डिलीवरी रेडर्स जो लाइसेंस बंदे हैं उनके लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो हार्ड कर दी गई है। जी हाँ, हार्ड क्यों कर दी गई है कि एक ऑनलाइन का प्रोसेस हुआ तो इजीली तरीके से लोग लाइसेंस ले रहे थे और चल रहे थे। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए दुबई में, इतने लोग मरे, इतने लोगों की जुर्माना लगा, इतनी बाइकें जब्त हुई कि आप सोच नहीं सकते। इस सिस्टम को देखते हुए सरकार ने लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया उसको हार्ड किया, उसमें कुछ घंटे एक्स्ट्रा जोड़ दिए। जी हाँ, कि भाई इतने समय आप करोगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा। 2020 की अगर बात करें साथियों, पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 20,000 बाइक राइडर्स पे जुर्माना हुआ है। जी हाँ, जुर्माने का पीछे रीजन क्या, भाई नए नए लोग होते हैं गाड़ी चलाने का, उनको पता नहीं होता, इतना प्रशिक्षण उनको मिला नहीं होता है। प्रैक्टिकल एक आरटीओ में जाके लाइसेंस लेना अलग बात होती है, बाकी प्रैक्टिकल आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो उसमें रात और दिन का फर्क होता है। 20,000 बाइक्स पे जुर्माना लग गया है। जी, सरकार ने इनको देखते हुए उनका जो टेस्ट होता है बाइक ड्राइवर्स का, उनको हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये 2022 से शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ सर, अगर बात करें पिछले साल 2021 में तो लगभग सरकार ने 12,000 लोगों के नए लाइसेंस बनाए गए थे नए बाइक राइडर्स के। जी, एक्सीडेंट की बात करें साथियों, 2020 में 300 एक्सीडेंट हुए थे, 2021 में लगभग 400 एक्सीडेंट हुए, यानी 25% एक्स्ट्रा एक्सीडेंट की बढ़ोतरी बढ़ गई, एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे। 2021 में अगर बात करें तो लगभग 31 पीपल्स यानी बाइक राइडर्स है उनकी मौत हो गई वहाँ पे गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से, और लगभग 253 बाइक राइडर्स हैं वो घायल हो गए थे। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है भाई कि लोग क्यों मर रहे हैं दुबई में जाके बाइक राइडर्स, या क्यों घायल हो रहे हैं? इसका रीज़न ये होता है कि एक तो वहाँ स्पीड लिमिट है, आप सबको पता है कि भाई इतनी लिमिट पे आपको चलना है, 100 की स्पीड जो भी है। दूसरी बात है कि बाइक राइडर्स क्या करते हैं, आगे जो गाड़ी चल रही है ना उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। इंडिया में भी आपने देखा होगा भाई, गाड़ी एकदम चिपक के चलती है, अचानक से अगली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तो पीछे की गाड़ी जाके ठुक जाती है, ये सच्चाई है। अचानक ट्रक टर्न ले लेना, गाड़ी बाइक ड्राइवर चल रहा है अचानक से टर्न ले लिया, अब पीछे वाली गाड़ी को थोड़ी पता है कि आगे जाके टर्न लेगा, बिना बत्ती के टर्न लेना तो आपको पता है भी नुकसान होता है, तो पीछे सीख जाती है गाड़ी। सबसे ज्यादा बत्ती, जी हाँ, जो रेड लाइट है उनको तोड़ा गया। जी, लेन, जो लेन होती है बाइक राइडर्स की, अलग अलग सबकी लेन बनी होती है, उसको भी पालन नहीं किया जाता है। जी हाँ, गलत जगह पार्किंग कर देना, ये सब रीजन थे एक्सीडेंट होने का कारण था। जी हाँ, बता दूं 20,000 बाइक राइडर्स को जुर्माना लगने के साथ में 880 बाइक्स जब्त की गई थी 2021 का आंकड़े के अनुसार। जी, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, लाइसेंस लेने के लिए आपको पता है ट्रेनिंग होती है, स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ पे 85 के लगभग कानून ऐसे बने हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड या इशारे वगैरह होते हैं, 85 कानून ऐसे बने हुए जिनको आपको याद करके फिर आपको लाइसेंस बनता है। तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लाइसेंस लोग बनवा लेते हैं, फिर जाके ठुकते रहते हैं। आप सोचिए,
20,000 लोगों को जुर्माना लग गया, 31 लोग मर गए, 250 लोग घायल हो गए, तो ये क्या है भाई? इसमें सावधानी बरतें। और बाइक राइडर के नाम से फर्जीवाड़ा भी खूब चल रहा है। मेरे पास भी एक कॉल आते रहते हैं, सर इतने पैसे ले लिए, हमें लाइसेंस नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। यहाँ से तो बस वो विजिट में बुला लेते हैं, आप सबको पता है, विजिट में बुला के वहाँ पर फिर इंटरव्यू देते हैं, आप फेल हो जाते हैं, फिर दूसरे जॉब में डालते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।